हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। माय सेल्फ प्रियंका। सो हमारी जो मीडिया एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट 14 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे किसी भी क्वेरी के लिए डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बॉम्बे गैजेट स्टार्टेड? तो बॉम्बे गैजेट कब शुरू हुआ था? ऑप्शंस आर 1790, 1791, 1792 या 1793। तो बॉम्बे गैजेट जो न्यूज़पेपर था वो आपका स्टार्ट हुआ था 1791 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास कुरियर? मद्रास कुरियर का फाउंडर कौन था? ऑप्शंस आर के श्रीनिवासन, रिचर्ड जॉनसन, जिबेश बागी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मद्रास कुरियर के जो फाउंडर थे वो थे आपके रिचर्ड जॉनसन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, विच आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन के मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑप्शंस आर आउटवर्ड फ्लो, यूज ऑफ चैनल, स्कैटर्ड ऑडियंस या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो आउटवर्ड फ्लो, यूज ऑफ चैनल, स्कैटर्ड ऑडियंस, ये सभी जो है एक मास कम्युनिकेशन के करेक्टरिस्टिक होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉडकास्ट मीडिया? ब्रॉडकास्ट मीडिया मतलब जिसमें जो चीज़ें ब्रॉडकास्ट की जाती हैं उसको हम और क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर न्यू एज मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो ब्रॉडकास्ट मीडिया का दूसरा नाम है। फिफ्थ क्वेश्चन, Which among the following is the oldest form of mass communication? Options are print media, electronic media, new age media या none of these. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया जो है वो इन सब में ओल्डेस्ट फॉर्म है मास कम्युनिकेशन की। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड? ऑप्शंस आर टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर या बोथ बी एंड सी। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है मतलब जिसमें हम ओरली बात नहीं करते हैं तो उसमें क्या चीज़ इंक्लूडेड होंगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। मीन्स योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर पोस्चर, ये दोनों चीज़ें जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूड होती हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, वोकैबुलरी, ग्रामर, स्टाइल एंड फॉर्मेट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ? ऑप्शंस आर ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में ही हमें वोकैबुलरी, ग्रामर, स्टाइल और फॉर्मेट का जो है ध्यान रखना पड़ता है। एट्थ क्वेश्चन, रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड? ऑप्शंस आर प्रिंट एंड हैंड रिटन मैटर, स्पीच, मोनोलॉग या फिर साइंस एंड सिंबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, रिटन कम्युनिकेशन में हमें प्रिंटेड और हैंड रिटन मैटर की ज़रूरत पड़ती है। नाइन्थ क्वेश्चन, ओरल कम्युनिकेशन अलाउज इंस्टेंटेनियस एक्सचेंज ऑफ? ऑप्शंस आर ओपिनियंस, एटीट्यूड, फीलिंग्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो कम्युनिकेशन का आंसर है, ओरल कम्युनिकेशन में हमें इन सभी की ज़रूरत पड़ती है। हमें ओपिनियन, एटीट्यूड और फीलिंग तीनों की ज़रूरत पड़ती है ओरल कम्युनिकेशन में। टेंथ क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? ऑप्शंस आर पिच, वॉल्यूम, क्लैरिटी या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन में हमें हमारी पिच, वॉल्यूम और वॉइस में क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होती हैं, तभी हम एक अच्छी ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। 11th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? ऑप्शंस आर ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज या फिर बोथ ए एंड बी। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपकी दोनों है ऑप्शन, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। 12th question, in how many parts is communication divided? Options are 4, 5, 6 या 9. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 पार्ट में जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइडेड है। 13th है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ फीडबैक. ऑप्शंस आर सेल्फ फीडबैक, कस्टमर फीडबैक, लिसनर फीडबैक या ऑल ऑफ दीज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दीज. तो सेल्फ फीडबैक, कस्टमर फीडबैक एंड लिसनर फीडबैक, ये सभी सोर्सेज होते हैं फीडबैक के. फीडबैक आपका कहीं से भी आ सकता है. 14th question, SMCR model of communication process was produced by. Options are David K Berlo, C H Gerber, M H M Haken या E M Roger. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डेविड के बर्लो. 15th question, who introduced the concept of noise in his model of communication. Options are Wilbur Scram, George Gerbner, Charles E Osgood या Glenn Shannon and Weaver मॉडल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, किसने नॉइस के बारे में बताया था आपका शैनन एंड वीवर मॉडल ने. इसमें हमें जो नॉइस का कंसेप्ट है वो पता चला था. 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यू मीडिया. ऑप्शंस आर मैगजीन, द इंटरनेट ड्यूरिंग द लेट 20th सेंचुरी, पेपर बुक्स या ऑल ऑफ द अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, द इंटरनेट ड्यूरिंग द लेट 20th सेंचुरी. 17th question, which of the following is an example of media convergence, the melding of previously separate media forms. Options are radio, books, internet, all of these. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका all of these. ये सभी जो है वो एग्जाम्पल है मीडिया कन्वर्जेंस के. 18th question, which of the following is an impediment of mass communication. Options are obstinate noise, channel noise, symbiotic noise या all of These. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चैनल नॉइज. 19th क्वेश्चन, अ कॉमन वे फॉर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस टू अचीव देयर प्रॉफिट गोल्स इज थ्रू. ऑप्शंस आर सर्विंग वेरी स्मॉल ऑडियंसेस, फियर्सली कॉम्पिटिटिव पेयर प्राइसिंग, कटिंग कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस या ऑल ऑफ द अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कटिंग कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस. 20th क्वेश्चन है आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर मास मीडिया एक्सेप्ट परसेप्चुअल डिफिसिट, ऑडियंस डोनेशन, गवर्नमेंट सब्सिडीज या एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परपेचुअल डेफिसिट्स. 21st क्वेश्चन है, द रीच ऑफ मास मीडिया इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन इंडिया बट कंपैरेटिवली द एक्सेस टू दैम इज वेरी वीक. This statement is. Options are definitely true, probably true, definitely false या probably false. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, probably false. Probably means या तो ये false हो सकता है, या तो ये गलत हो सकता है या नहीं, इसमें दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं. 22nd क्वेश्चन है, ऑडियंस एंड फीडबैक आर द टू मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ. ऑप्शंस आर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मैस कम्युनिकेशन या नन ऑफ दी अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मैस कम्युनिकेशन. ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है. 23rd क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन नीड्स आ. ऑप्शंस आर सेंडर, रिसीवर, चैनल या बोथ ए एंड बी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. एक कम्युनिकेशन को सेंडर और रिसीवर की जरूरत होती है. 24th क्वेश्चन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट मास कम्युनिकेशन मैसेज इज डिजिटल इंटीग्रेशन, इंटरपर्सनल मल्टीपल इंटेलिजेंस, मीडिया लिटरेसी या मल्टीटास्किंग. तो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट मास कम्युनिकेशन मैसेज इज कॉल्ड मीडिया लिटरेसी. तो ये डेफिनेशन है आपकी मीडिया लिटरेसी की. तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. 25th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ चैनल यूज्ड इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. ऑप्शंस आर ईमेल, न्यूज़पेपर, टेलीफोन लाइन्स या ऑल ऑफ दीज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी. ये सभी जो है एग्जाम्पल हैं आपके चैनल के जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मीडिया एप्टीट्यूड के जो हमने कवर करे. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे. थैंक यू सो मच.